अब मैं आपको बताऊंगी 3 to 8 लाइन डिकोडर कैसे काम करेगा, ठीक है, और उसका सर्किट हम कैसे डिजाइन करेंगे। 3 to 8 लाइन डिकोडर में हमारे पास 3 इनपुट होंगे, 8 आउटपुट होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। इनपुट है हमारे पास ए बी सी, आउटपुट है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। अब 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे पास। हमें मालूम है 000, 001, 010, 011 से लेकर 111 तक हमारे 8 कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 000 है, इसका मतलब है कि हमारा D0 आउटपुट जो है इस टाइम पे हाई होगा, बाकी सारे लो होंगे। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 001 है, इसका मतलब है कि हमारा D1 आउटपुट जो है वो हाई होगा, बाकी सारे लो होंगे। अगर हमारे इनपुट की वैल्यू 010 है, इसका मतलब है कि D2 हमारा हाई होगा, बाकी सब लो होंगे, ठीक है। ये हमारा लॉजिक है डिकोडर का। अब इस लॉजिक को हम ट्रुथ टेबल में इम्प्लीमेंट कर ले। तो यहाँ पे देखिए 3 इनपुट है ए बी और सी, और 8 आउटपुट है D0, D1, D2, D3, D7, ठीक है। अगर इनपुट 00 है तो D0 आउटपुट हाई है, बाकी सारे आउटपुट लो। अगर इनपुट की वैल्यू 001 है तो हमारा D1 हाई है, बाकी लो है। अगर इनपुट की वैल्यू 010 है तो हमारा D2 हाई है आउटपुट में, बाकी लो है। अगर इसकी वैल्यू 011 है, D3 हाई होगा, बाकी सारे हमारे लो होंगे। इसी तरीके से अगर वैल्यू 100 है तो D4 हाई होगा, बाकी सब लो होंगे। अगर वैल्यू 101 है तो हमारा D5 जो है वो हाई होगा, बाकी सब लो होंगे। अगर इनपुट की वैल्यू 110 है तो आपका D6 हाई होगा, बाकी जीरो होंगे। अगर वैल्यू 11 है इनपुट में तो हमारा D7 हाई होगा, बाकी सब लो होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डायगोनल में आपको हाई वैल्यूज मिलेंगी, और ये हमारा एक ट्रुथ टेबल डिजाइन हो गया 3 to 8 लाइन डिकोडर का। अब इसके लिए हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो 8 इक्वेशन आपको मिलेंगी 8 आउटपुट के लिए, D0, A बार, B बार, C बार, D1, A बार, B बार, C, D2, यहां से देखिए मैं करती जा रही हूं, ठीक है। D2 हाई है, A बार, B, C बार, A बार, B, C बार, D3, A बार, B, C, A बार, B, C, D4, A, B बार, C बार, D5 की आ जाएगी आपकी A, B बार, C, A, B बार, C, D6 की आ जाएगी A, B, C बार, A, B, C बार, और D7 की A, B, C। ये हमारे पास 8 इक्वेशन आ गई। अब इसको हम इजिली लॉजिक गेट की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पे हमें एंड गेट चाहिए होगा, ठीक है, 3 इनपुट वाले 8 एंड गेट चाहिए होंगे। तो कैसे करेंगे, यहां पे देखिए एक इनपुट बना लीजिए, और इसी में आप एक नॉट गेट लगा दोगे तो ए बार मिल जाएगा। यहां बी ले लीजिए, यहां एक नॉट गेट लगा लोगे तो बी बार मिल जाएगा, यहां सी ले लीजिए, यहां पे एक नॉट गेट लगा दोगे तो सी बार मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें 8 एंड गेट चाहिए, 1, 2, 3, 7 और 8। ये इसका आउटपुट मिलेगा D0, D1, D2, D3, D4, D5,
D6 और D7। D0 का आउटपुट यहां से देखते जाइए और इम्प्लीमेंट करते जाइए। D0 का है A बार, B बार, C बार। तो यहां से हम A बार इसमें देंगे इनपुट, B बार और C बार। D1 में A बार, B बार एंड C, ठीक है। अब D2 में A बार, B, C बार, A बार, B, C बार। D3 में A बार, B, C, A बार, B, C। D4 में A, B बार, C बार, A, B बार और C बार। D5 में A, B बार, C, B बार और C। D6 में A, B और C बार। D7 में A, B और C। तो ये देखिए हमारा 3-8 लाइन डिकोडर का सर्किट डायग्राम बन गया। तो इस तरीके से आप अपना डिकोडर जो है वो डिजाइन कर सकते हो, बहुत इजी है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई बूलियन फंक्शन है तो उसको हम डिकोडर में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी। यहाँ पे मैं जितनी भी वीडियो बना रही हूँ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कॉम्पिटिटिव और आपके सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए इनफ है। तो मेरे वीडियोस को सिक्वेंस से देखिए। अगर आप सारे वीडियो सिक्वेंस से देखेंगे तो आपको बुक भी रिफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।